हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्टे ड्राइव। दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट में आपको लेके आए हैं, ये हमारा 3 BHK फ्लैट है और आपका PR7 बैंक ऑन 200 फिट रोड है। तो ये हमारा 3 BHK है और इसका मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग है। अगर हम इसकी बात करें, ये लिविंग है आपका। लिविंग रूम आपका 12.9x11x2 का आपका, ये आपका लिविंग रूम है, आप देख सकते हैं। जैसे हम आगे जाते हैं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड ये छोटा सा पूजा रूम है। इसको आप पूजा रूम भी बना सकते हैं या इसको आप स्टडी रूम भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और ये आपका जो स्टोर या स्टोर भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं स्टोर की डायमेंशंस की बात करूँ, ये 6.4x4.3 का ये हमारा स्टोर रूम है। और यहाँ से ये आपका डाइनिंग है। डाइनिंग जो है वो 10x11 का, 10x11 का ये डाइनिंग है। और इस डाइनिंग के साथ ही हमारी यहाँ से बालकोनी है। ये मैच डोर आपको मिलेंगे इसमें, जो कि साउंड प्रूफ होंगे। और ये आपकी यहाँ से बालकोनी है, ये सैंपल है, ये आपके यहाँ से बालकोनी नज़र आ रही है। एक बार मैं आपको ये फ्लैट यहाँ से भी दिखा देता हूँ, आप इस एंगल से भी देखें। तो ये हमारा लिविंग रूम है, ये सामने स्टोर्स है। तो दोस्तों, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगेन डाइनिंग के मेरे लेफ्ट हैंड साइड आपका फर्स्ट बेडरूम है। अगर आप बेडरूम देखें, ये बेडरूम आपका 13x11 का बेडरूम है। बहुत अच्छा बेडरूम है। हम ये आपको फ्लैट जो देंगे, वो टेंटेटिव आप ये लगा के चलें कि सेमी फर्निश होगा। और ये आपका फर्स्ट बेडरूम 13x11 का है। इसके साथ ये जो वार्डरूफ आप देख रहे हैं, वार्डरूफ आपको एज इट इज़ मिलेगा। ये आपका सामने वार्डरूफ है, ये LED पैनल। और मुझे इसकी जो इंटीरियर है, काफ़ी अच्छा लगा है इस पूरे फ्लैट का। अब हम आगे चलते हैं, एक हम इस एंगल से दोबारा देख लेते हैं। ये आपका डाइनिंग आ गया, वो आपका लिविंग रूम आ गया, और ये आपका फर्स्ट बेडरूम। दोस्तों, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड, ये आप कह सकते हैं कि गेस्ट वॉशरूम भी कह सकते हैं, ये हमारा पहला वॉशरूम है। 3 बेडरूम है, 3 BHK है, 3 बेडरूम है और 3 ही हमारे वॉशरूम हैं। सैनिटरी आप देख सकते हैं, जैगुआर की सैनिटरी है। सो वॉशरूम के लेफ्ट हैंड साइड ही आपके किचन है। अगर हम किचन की बात करें, किचन आपका 11x7 का किचन है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका सिंक है यहाँ पे, और ये साउंड प्रूफ सिंक है। ये आपका एक्वागार्ड, ये आपके कैबिनेट्स हैं ऊपर और नीचे। और यहाँ से हमारा आपको यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया मिल जाएगा। सो
सो इस एंगल से एक बार किचन को देख लेते हैं। ये आप देखें वॉशरूम आ गया, सॉरी कैबिनेट्स आ गए, सामने ओवन है, फ्रिज है, ये आपके ये आपका चिमनी हॉब वगैरह वॉश का लगा हुआ है। बट ये सैम्पल फ्लैट है इसलिए आपको जो है सेमी फर्निश मिलेगा। यहाँ से हम आगे जाते हैं, देन ये नेक्स्ट हमारी राइट हैंड साइड में ये हमारा सेकंड बेडरूम है। अगर हम इस बेडरूम की बात करें, ये बेडरूम हमारा 11x14 यानी 11x14 का बेडरूम है। ये एलईडी पैनल आपका लगा हुआ है और ये वार्डरोब आपको एज इट इज मिलेगा। इसमें वुडन टाइल है, आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग है इसमें सारी। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो लगा ये मंकी, तो ये हमारा 11x14 का बेडरूम है। इसके साथ ही अटैच हमारा वॉशरूम है, ये वॉशरूम 5x8 का है, देख सकते हैं आप। जो सैनिटरी फिटिंग है जगुआर की है, आई विल शो यू द ब्रांड। और इस वॉशरूम से एक बार हम इस बेडरूम का आपको एक एंगल दिखा देता हूँ, ये देखें। इसके साथ एक बालकोनी भी है, ये आप देखें यहाँ से आपको सेकंड बालकोनी है, ये आपका बाहर का सारा एरिया है। मैस्टोर है, साउंड प्रूफ है, तो एक बार हम यहाँ से भी आपको मैं बेडरूम दिखा देता हूँ। सो आई जस्ट वॉन्ट कि आपको एकदम क्लैरिटी के साथ पूरा बेडरूम, हम इसको 2-3 एंगल से देखते हैं। ये आपका वार्डरोब, ये आपको एज इट इज मिलेगा वार्डरोब। और यहाँ से भी एक एंगल ले लेते हैं, एलईडी पैनल, अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। ये हमारा थर्ड बेडरूम है, ये देखें ये टीवी पैनल। इसका साइज भी 11x13, वो 11x14 था, 11x14 ये 11x13। और अगेन इसके यहाँ से भी आपको बालकनी मिलेगी, ये हमारी थर्ड बालकनी होगी। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड बेडरूम है, अगेन ये आपको वार्डरोब एज इट इज मिलने वाले हैं जैसे आप देख रहे हैं। सेमी फर्निश है, सेमी फर्निश का मतलब है कि आपको फर्नीचर मूवेबल आइटम्स नहीं मिलेगी, बाकी सारे एज इट इज मिलेगा। और यहाँ से एक बार हम इस बेडरूम का व्यू दे लेते हैं, और दोस्तों इस बेडरूम के साथ ही हमारा अटैच वॉशरूम है, वो भी हम देख लेते हैं। ये वॉशरूम 7x5.9 का है, अगेन इसमें सैनिटरी वगैरह आपको एज इट इज मिलेगी जैसे आप देख रहे हैं। और एक बार इससे बेडरूम द्वारा देखते हैं, और इस एंगल से भी इस बेडरूम को देख लेते हैं। ये 11x13 का बेडरूम है। सो एक बार फाइनल रिकैप, ये हमारा थर्ड बेडरूम था, इसके साथ आपने वॉशरूम देखा। वॉशरूम के साथ आप जैसे यहाँ से निकलेंगे, सो पहले मेरे राइट हैंड साइड आपका एक लॉबी टाइप आएगी और राइट हैंड साइड आपका सेकंड बेडरूम है जो 11x14 का है, ये आप देखें। इसके साथ जैसे मैंने बताया आपका वॉशरूम है 5x8 का,
ये आपको एज इट इज़ ही मिलेगा। जैसे हम इस बेडरूम से बाहर जाते हैं देन ये आपकी लॉबी होगी, इसके साथ ही हमारा फर्स्ट किचन आ जाती है राइट हैंड साइड में। ये आपका किचन का व्यू है, सामने वॉशिंग एरिया आएगा। 11x7 यानी 11x7 का ये किचन है। इसके साथ ही हमारा ये वॉशरूम है, बेसिकली थर्ड वॉशरूम आपका है जो है आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ये 7x5.9 का फर्स्ट बेडरूम 11x13 ऑलमोस्ट 11x13 11x14 के आपके हमारे बेडरूम्स हैं। उसके बाद ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया, आप देख सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। सो दोस्तों डाइनिंग से बाहर आते हैं, ये हमारा लिविंग, लिविंग का मैंने आपको बताया था 12.9x11x2 का लिविंग एरिया हमारा। ये LED पैनल है, सामने मेन डोर है और यहाँ हमारी बालकोनी है साइड में, और इसके साथ ही ये हमारा स्टोर। सो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत लिमिटेड यूनिट्स हैं, पोजीशंस आपका 1 साल से 1.5 साल के अंदर है इसका, बहुत लिमिटेड यूनिट्स हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इस फ्लैट के बारे में चाहिए, आप लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आई कैची फ्लैट लेके। और अगेन मैं कहता हूँ कि स्ट्रेट ड्राइव एक रेरा फूड एजेंसी है पंजाब के अंदर या ट्राईसिटी के अंदर। आप कोई प्रॉपर्टी बिना किसी उसके आप हमसे ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी सारे बैंक से स्ट्रेट ड्राइव का टाई अप है, गवर्नमेंट बैंक, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेटाइज बैंक। आपने किसी से भी कोई भी लोन लेना है तो आपको मतलब सारे सॉल्यूशन स्ट्रेट ड्राइव वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है। आपने सिर्फ आके फ्लैट पसंद करना है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेट ड्राइव की रहती है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय। And finally, Jai Hind.